अस्सलाम वालेकुम साथियों, नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपी उर्दू जीएस अकादमी पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोगों से ये मेरी गुजारिश है, निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और शेयर करते रहें, कमेंट भी करते रहें और लाइक भी करते रहें। कमेंट करते रहें आप, सुझाव मैं चाहता हूँ, प्रश्न मैं चाहता हूँ, इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग कमेंट जरूर करते रहें, लाइक अनलाइक जो भी हो करते रहें। तो मैंने आपको बताया था साथियों कि आज हम आपको सज्जाद जहीर के बारे में बताएंगे और उनका एक नॉवेल है लंदन की एक रात, उसके बारे में भी बताएंगे, बहुत डिटेल से बताएंगे, बहुत ही डिटेल से। इसलिए आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि पॉइंट टू पॉइंट आप नोट करते चलें, नोट करते चलेंगे तो एक अच्छा सा नोट्स बनकर तैयार हो जाएगा। ये आपके सिलेबस में भी है, सज्जाद जहीर और इनका नॉवेल जो है लंदन की एक रात आपके सिलेबस में भी है। तो हम चाहते हैं कि ये इतने अच्छे से आप लोग तैयार कर लें कि फिर कभी भूलें ही ना। और इंशाल्लाह इतने अच्छे से मैं आपको यहाँ से डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँगा किस तरह से मैं आपको यहाँ से अपनी बात आपको पहुँचाऊँगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको याद हो जाए। तो असल में हमारा जो भी मार्कर है सब लगभग लगभग खत्म होने पर है, मैं नया मार्कर लाने ही वाला हूँ, आज ही लाऊंगा, आज जाऊंगा लेकर आऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग सज्जाद जहीर के बारे में जानते हैं, पॉइंट टू पॉइंट नोट करते चलिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। मैं यहां से बोला करूंगा और समझाता रहूंगा। सज्जाद जहीर नाम इनका देखिए तो सज्जाद जहीर ही है। नाम इनका क्या है? सज्जाद जहीर ही है। उर्फ लगाते थे ये, क्या उर्फ? उर्फ क्या? बन्ने भाई। दिख रहा है साथियों, नाम सज्जाद जहीर, उर्फ बन्ने भाई, दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है सज्जाद जहीर उर्फ बन्ने भाई। जैसे जैसे मैं लिखता जाऊंगा साथियों, आप भी नोट्स बनाते रहिएगा। इनका नाम सज्जाद जहीर उर्फ बन्ने भाई, 5 नवंबर 1905। इनकी पैदाइश कब हुई थी? 5 नवंबर 1905। 5 नवंबर 1905। क्लास चाहे लंबी हो जाए इसकी चिंता ना करिएगा, लेकिन आज इसको हम खत्म करके तभी क्लास बंद करेंगे। इनकी पैदाइश हुई थी 5 नवंबर 1905 को कहां? लखनऊ, ठीक है। इनकी पैदाइश हुई थी 5 नवंबर 1905 को कहां? लखनऊ। इनके अब्बा का क्या नाम है? इनके अब्बा का नाम इसी लाइन में लिख देते हैं, वालिद। वालिद का नाम था सैयद। इनके वालिद का नाम सैयद वजीर हसन, लिखते रहिएगा। इनके वालिद का नाम सैयद वजीर हसन था, सैयद वजीर हसन था। तो हर पॉइंट आपको लिखना है, क्लास लंबी हो जाए होने दीजिए, लेकिन सज्जाद जहीर और इनका जो नावेल है लंदन की एक रात, वो आज खत्म करेंगे हम।
तो 5 नवंबर लखनऊ में इनकी पैदाइश हुई थी। इनके वालिद का नाम सैयद वजीर हसन था। अच्छा, इसके आगे देखते जाइए, इनके 4 भाई थे। कितने भाई? 4 भाई और थे इनके। कभी कभी भाइयों का नाम भी पूछ लेता है, मतलब बहुत ही अंदर तक घुस के पूछता है कभी कभार। तो इनके 4 भाई थे और चारों भाइयों का नाम भी आप लोग लिख लीजिए। इनके चारों भाइयों का नाम अली जहीर हसन जहीर। दिख रहा है साथियों कि नहीं? मतलब छोटा हो तो और बड़ा हम कर दें इसको। एक मिनट, हो गया। अली जहीर, हसन जहीर, हुसैन जहीर और बाकिर जहीर। हुसैन जहीर और बाकिर जहीर। 1 2 3 4, इनके 4 भाई हो गए। एक एक पॉइंट ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप लिखिए, बस आप पढ़िए, मेहनत करिए, कामयाब हो जाइए। उसके साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए ताकि मेरा चैनल कुछ आगे बढ़े। तो आगे देखिए, इनके 4 भाई थे जिनका नाम हमने लिखा। शुरुआती तालीम इन्होंने जो है, शुरू में इन्होंने तालीम कहाँ से हासिल की? लखनऊ हाई स्कूल तक इन्होंने लखनऊ से ही तालीम हासिल की। बाद में आला तालीम, यहाँ देखो तालीम गलत हो गया, तालीम शुरू में तालीम लखनऊ में हाई स्कूल तक, बाद में आला तालीम के लिए कहाँ? लंदन में कहाँ? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन। एक बार से हम फिर शुरू से पढ़ दे रहे हैं। नाम इनका सज्जाद जहीर उर्फ बन्ने भाई, 5 नवंबर 1905 को लखनऊ में पैदा हुए। वालिद का नाम सैयद वजीर हसन। फिर 4 भाई थे इनके, अली जहीर, हसन जहीर, हुसैन जहीर और बाकिर जहीर। शुरुआती तालीम इन्होंने लखनऊ में हाई स्कूल तक हासिल की। उसके बाद में आला तालीम के लिए कहाँ चले गए? लंदन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। इतना हो गया क्लियर? उसके बाद एक इनकी बीवी थी। बीवी क्या नाम था? रजिया। इनकी बीवी का क्या नाम था? रजिया। हर चीज ध्यान में रखिएगा। इनकी बीवी का रजिया नाम था। इसी में लिखिएगा कि 4 बेटियां भी थी। 4 बेटियां थी इनके। 4 बेटियां, नाम क्या था? एक तो नजमा नाम था, एक का नजमा नाम था, फिर नसीम, नादिरा, फिर दूसरे का नसीम, तीसरे का नादिरा। हर चीज लिखिएगा साथियों। इनकी जो 4 बेटियां थी, एक नजमा थी, फिर नसीम थी, फिर नादिरा थी, और एक का नाम नूर था। नूर, नूर। तो 4 बेटियां हो गईं।
चार भाई थे इनके और चार इनकी बेटियां थी। इनकी बीवी का नाम रजिया था। हर चीज एक एक पॉइंट हम ठान के आएंगे, आज पूरा लिखवाएंगे, चाहे क्लास 1 घंटा हो जाए, उससे नहीं मतलब है। फिर अब इतना लिख लीजिए, उसके बाद हम मिटा दे रहे हैं ऊपर से। बीवी, ये हम फिर से लिख दे रहे हैं, बीवी का नाम क्या था? रजिया। बीवी कौन थी? रजिया। चार बेटियां थी, नजमा, नसीम, नादिरा और नूर। उसके बाद अब यहां से एक एक पॉइंट फिर लिखते चलिए, बहुत छोटा छोटा पॉइंट है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। असल में जो मिटालने वाला डस्टर है इसको साफ किए हैं, थोड़ा सा गीला है इसलिए इसे थोड़ा सा जब एक बार मिटालते हैं तो फिर लिख नहीं जाता है। अच्छा, 1927 डालिए, 1927 डालिए, उसके बाद में फिर 1935 डालिए, अलग अलग पॉइंट में डालिएगा। 1935। चार्जिंग नहीं है क्या? चलो काम भर का है। 1935, फिर 1936, फिर 1940 डालते जाइए, बस आप लिखते जाइए, एक एक पॉइंट में छोड़ूंगा नहीं। फिर 1942, फिर 1948, ये इन्हीं के बारे में हम बताने जा रहे हैं, बस आप लिखते जाइए इतना। अब आगे का पोर्शन हम अभी लिखवा रहे हैं एक एक करके। 1948 के बाद में 1951, 1951। अब यहाँ से शुरू करते हैं कि 1927 में लंदन ऑक्सफोर्ड में दाखिला लिया। लंदन ऑक्सफोर्ड में दाखिला लिया, दाखिला लिया, हो गया, दिख रहा है साथी, लंदन ऑक्सफोर्ड में दाखिला लिया। अगर दिक्कत थोड़ा नीचे कर दें, 35 यहां कर दें, 1935, 36 अभी हम लिख देंगे। फिर 35 में अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन, देखा करिए, अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन, ये एक संस्था कह लीजिए चाहे एक अदारा कह लीजिए, अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन, हो गया, कि बुनियाद डाली। कब डाली? सामने लिखा हुआ है 1935, दिख रहा है कि नहीं? 1935। उसके बाद 1936 में वापस आए, 38 में, 1936 देखिए, आप लोग जैसे लिखे लिखे रहिए, वही चीज लिखेंगे। 1936, 1936, इन्होंने 36 में क्या किया? लंदन से वापस आ गए, लंदन से वापस आ गए, लंदन से वापस आ गए। भीगा रहता है तो लिख नहीं जाता है। और 38 में क्या किया इन्होंने? 38 में रजिया से शादी हो गई। 1938 में रजिया से शादी हुई। एक एक पॉइंट में लिखवा रहा हूं, छोड़ूंगा नहीं कहीं। फिर 38 के बाद 40 हुआ,
38 के बाद 40, 40 में गिरफ्तार हो गए, गिरफ्तार हो गए। और 1942 में रिहा भी हो गए, रिहा हो गए। दिख रहा है साथियों, 1900, अभी मैं नीले से यहाँ ऐसे कर दे रहा हूँ, ये 1940 में ये गिरफ्तार हो गए और 42 में रिहा भी हो गए। और 42 में ही मुंबई से हफ्तावार अखबार निकालना इन्होंने शुरू कर दिया 1942 मुंबई से एक हफ्ता वार अखबार, इसका नाम भी हम बताएंगे, हफ्तावार अखबार। असल में ये थोड़ा कम चल रहा है, मैं नीले से लिख रहा हूँ साथियों, हफ्तावार अखबार। कौमी जंग जारी किया, कब किया 1942 में जारी किया। सारे डेट लिखते जा रहे हैं, फिर नीचे तक दिख रहा है साथियों कि नहीं? हाँ दिख रहा है। फिर इन्होंने क्या किया 1948 में पाकिस्तान जाकर कम्युनिस्ट पार्टी 1948 में कहाँ चले गए? पाकिस्तान में कम्युनिस्ट पार्टी तश्कील की, समझ गए? 1948 में, इसको भी हम नीले से कर दे रहे हैं। उन्नीस सौ अड़तालीस है ये। उसके बाद में 1951 में पाकिस्तान में भी गिरफ्तार हो गए, 1951 में पाकिस्तान में गिरफ्तार हो गए। नीचे दिख रहा है 1951 में, हाँ दिख रहा है 1951 में पाकिस्तान में गिरफ्तार हो गए। पाकिस्तान में 1951 में गिरफ्तार हो गए, 1955 में छूटकर वापस भी आ गए। तो इसके बाद यहाँ लिखिएगा 1900, चाहे कहिए तो ऊपर वाला मिटा दें, 1955 में, कब 1955 में हिंदुस्तान वापस आ गए। तो इतना ये सब जो तारीख एक एक पॉइंट नोट करते चलिएगा। के बाद अगला लिखेगा अभी सज्जाद जहीर के बारे में अभी बता रहे हैं साथियों, जब इनका खत्म हो जाएगा फिर लंदन की एक रात चलेगी, इनका जो भी इनका नॉवेल है। तो आगे फिर देखिए 1958 में क्या हुआ, 1958 में
आवामी दौर, मतलब कि 1958 में आवामी दौर, एक आवामी दौर के मुदीर बन गए। आवामी दौर के मुदीर बन गए। छोटा तो नहीं लिख रहे हैं साथियों? हाँ दिख रहा है, आवामी दौर के मुदीर बन गए 1958 में। और जब आवामी दौर के मुदीर बन गए, आवामी दौर के, तब ये इन्होंने क्या किया कि लखनऊ, दिल्ली से, लखनऊ से, दिल्ली से लखनऊ चले आए। उस समय लखनऊ से दिल्ली चले आए, लखनऊ से दिल्ली चले आए। अवामी दौर के मुदीर जब बन गए तब ये लखनऊ से दिल्ली चले आए। कब? 1958 में। इसीलिए एक एक पॉइंट हम लिखवा रहे हैं कि आपको सारी चीजें पता हो जाएं और याद हो जाएं। फिर 1972 रूस, जर्मनी, इंग्लिस्तान का दौरा किया। 1972 में रूस, जर्मनी और इंग्लिस्तान, इंग्लिस्तान का दौरा किया। ठीक, 1972 में रूस, जर्मनी, इंग्लिस्तान का दौरा किया। फिर देखिए आगे, 1973 में दोबारा रूस और इंग्लिस्तान गए, दौरा किया था 1972 में, वापस आ गए थे। फिर 1973 में क्या किया कि दोबारा रूस और इंग्लिस्तान गए। कोई पॉइंट छोड़ूंगा नहीं और आज खत्म कर दूंगा ये। फिर 1973 में ही कजाकिस्तान में इनका इंतकाल हो गया, 1973 में ही। अब चूंकि हमने कहा कि 1973 में दोबारा रूस और इंग्लिस्तान गए, तो अब 1973 छोटा सा तो है नहीं कि एक मिनट का, दो चार महीने बाद भी ये चले गए होंगे अपना कजाकिस्तान 1973 में, तो इनका इंतकाल वही हो गया है। इनका इनका इंतकाल हो गया, हो गया कहां? कजाकिस्तान में। ठीक, ये इतनी सी बात थी इनके जिंदगी के बारे में। अब इन्होंने अदबी खिदमात क्या क्या किया है वो लिखिए, ये लिख लीजिए, एक मिनट का समय दे रहे हैं, लिख लीजिए। एक एक पॉइंट हम इसीलिए लिखवा रहे हैं साथियों कि आपको एक एक पॉइंट लिखवा दिया जाए, छूटे ना कहीं से। और जब लंदन की एक रात हम बताने लगेंगे तो वो मतलब कहानी नुमा बताएंगे, लिखेंगे भी, पूरा लिखेंगे, कोई छूटेगा नहीं, जितने किरदार हैं सब लिखेंगे। हो गया, क्या अदबी कारनामे, अदबी कारनामे कौन कौन से हैं? इनका इनका एक शेरी मजमुआ है, आप सभी लोग जानते होंगे अंगारे, इनका एक शेरी मजमुआ अंगारे, क्या अंगारे, शेरी मजमुआ है अंगारे।
इनका एक शेरी मजमुआ अंगारे है, जिसमें अब जो अंगारे शेरी मजमुआ है इसमें जिसमें शामिल जिसमें शामिल जो अंगारे शेरी मजमुआ है उनमें जिसमें शामिल पांच अफसाने हैं, क्या पांच अफसाने अफसाने ठीक। अब एक एक अफसाने का नाम लिखेंगे बिल्कुल बिल्कुल डिटेल में बाकायदा। शेरी नहीं है ये साथियों, क्योंकि अफसाना है इसमें पांच, इसलिए ये अफसानवी मजमुआ है। ये चीज बहुत जरूरी था जो हम देखो भूल गए, हमने शेरी बोल दिया, ये अफसाना है चूंकि पांच तो अफसानवी मजमुआ है ये। हम इसके लिए बहुत मैं माफी चाहता हूँ, मैं शेरी गलती से बोल गया, ये अफसानवी मजमुआ है क्योंकि इसमें पांच अफसाने हैं अंगारे में। अफसानवी क्या एक अफसानवी मजमुआ है इनका अंगारे, और अंगारे में कितने अफसाने हैं पांच। ये तो छोटा क्वेश्चन हो गया कि इनके एक शेरी मजमुए जिसका नाम अंगारे है उनमें कितने जो है अफसाने हैं, तो पांच, लेकिन कौन कौन से हैं ये देख लो, कौन कौन से अफसाने हैं। देखिए दिख रहा है साथियों, पहला तो है नींद मैं बोल रहा हूं, नींद नहीं आती। इनका ये पांच है जो उनका नाम हम लिख रहे हैं, नींद नहीं आती 1938, ये ध्यान रखिएगा, नींद नहीं आती। हम आज ही जो है नया मार्कर ले आएंगे, चार पांच थी खत्म, ये तो खत्म हो गया इसलिए काम चला रहे, आज शाम तक ले आएंगे हम। दूसरा है जन्नत, दूसरा है जन्नत, लिखिए मैं लिख रहा हूं जन्नत की बसारत, जन्नत की बसारत उनका दूसरा ये मजमुआ है, ये 1932 में शायद 1932 नोट करते चलिएगा। और नींद नहीं आती ये भी 1932 है साथियों, अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बिल्कुल जरूर बताएं, चीजें याद आती भी रहती हैं। फिर जो है देखिए, एक तो नींद नहीं आती 1932, जन्नत की बसारत 1932, फिर तीसरा है इनका गर्मियों की एक रात, याद आ गया, गर्मियों की एक रात, ये भी क्या है 1932, गर्मियों की एक रात। गर्मियों की एक रात फिर है दुलारी, क्या दुलारी, ये भी क्या है 1932। और पांचवा फिर ये हंगामा, क्या फिर ये हंगामा, ये भी 1932 फिर ये हंगामा। तो ये देखिए आप, जो इनका जो अफसानवी मजमुआ है अंगारे उसमें पांच अफसाने हैं, कै पांच
पांच अफसाने हैं उसमें, और पांचों अफसानों के नाम हमने लिखा, नींद नहीं आती, जन्नत की बशारत, गर्मियों की एक रात, दुलारी और फिर ये हंगामा। इसके बाद आगे बढ़िए, नोट कर लिया होगा आपने मुझे उम्मीद है। अभी थकिएगा नहीं क्योंकि लंदन की एक रात अभी बाकी है, ठीक है। लंदन की एक रात जो है इन्होंने कब लिखा था, देखिए, लंदन की एक रात कब लिखा था, 1938 में, 1938 में। फिर जिक्र हाफिज, जिक्र हाफिज जिक्र हाफिज ये इन्होंने कब लिखा, ये लिखा 1954 में। फिर नीले से करता हूं तो ठीक रहता है, 1954 में। फिर इन्होंने रोशनाई लिखी, क्या रोशनाई, रोशनाई इन्होंने लिखी थी 1959 में। तीन हुआ, लंदन की एक रात, जिक्र हाफिज, रोशनाई, पिघला नहीं, पिघला नहीं, क्या पिघला नीम, ये कब लिखा, 1964 में। तो ये चीजें हैं, दिख रहा है साथियों, तो ये हो गए इनके अदबी खिदमात। तो आपके सिलेबस में इन्हीं का ये ऊपर वाला जो नावेल है ना, लंदन की एक रात, ये है, इसलिए मैं इसके बारे में बताने जा रहा हूं। ध्यान से नोट करते चलिएगा और सुनते रहिएगा। सज्जाद जहीर, इनकी एक नॉवेल है, क्या, लंदन की एक रात। मैं इसको ऊपर हटा दे रहा हूं, ये लंदन की एक रात, लंदन की एक रात। इसके किरदारों को आप सुनते चलिए, क्योंकि जो लंदन की एक रात है, ये इसके जो भी किरदार हैं, ऐसा पता चलता है कि मतलब मालूम पड़ता है कि सज्जाद जहीर हैं और उनके सारे दोस्त मिल करके इनके जो किरदार हैं उन्होंने ये नावेल लिखा हुआ है, ठीक है। इनके किरदारों में देखिए, देखिए लंदन की एक रात, अभी जो नावेल है, इसी नावेल से जदीद उर्दू नावेल का लंदन की एक रात नावेल से जदीद उर्दू नावेल का आगाज होता है, आगाज होता है।
पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू देखिए, लंदन, पहला मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, लंदन की एक रात जो नॉवेल है उस नॉवेल से उसी मतलब इसी नॉवेल से जदीद, जदीद हमने गलत लिख दिया साथियों, देखिए जदीद, जदीद उर्दू नावेल का आगाज होता है। अब दूसरा पॉइंट देखिए, यह नावेल 1936 में जहां जहां जो है सन पड़ा हुआ रहेगा वहां मैं नीले से कर दूंगा, 1936 में मुकम्मल हुआ, दिख रहा है साथियों कि नहीं, यह नावेल 1936 में मुकम्मल हुआ। और 1938 में शाये हुआ, ठीक, ये भी नीले से मैं कर दे रहा हूं, 1936 में मुकम्मल हुआ और 38 में शाये हुआ। एक चीज और है, यह उर्दू का ऐसा पहला नावेल है जिसमें लिख दे रहा हूं, लिखते चलिए, यह उर्दू का ऐसा पहला नावेल है जिसमें शऊर की रोग की टेक्निक का इस्तेमाल हुआ है, शऊर की रोग की टेक्निक का इस्तेमाल हुआ है, दिख रहा है कि नहीं साथियों, ये उर्दू का ऐसा पहला नावेल है जिसमें शऊर की रो की टेक्निक का इस्तेमाल हुआ है। अगला पॉइंट, इसी में पॉइंट अगला लिखिएगा, इस नावेल की कहानी 6:10 से, अब ऐसे नहीं लिखे, शॉर्टकट में लिख दिए, 6:10 से शुरू होती है, दिख रहा है कि नहीं, ये 6:10 है, 6:10 से शुरू होती है, कब, शाम 6:00, ये ध्यान रखिएगा, यहां हम लिख दे रहे हैं शाम 6:10 से शुरू होती है और सुबह की फीकी रोशनी के साथ खत्म होती है, और सुबह की रोशनी के साथ खत्म खत्म होती है। इस नावेल की कहानी शाम 6:10 से शुरू होती है और सुबह की रोशनी के साथ खत्म होती है। मेरा मार्कर भी खत्म होता है बहुत जल्दी। किरदार लिखिए, देखिए किरदार, तो इस कहानी में किरदार लगभग 7-8 किरदार हैं, उन सभी किरदारों को मैं लिख दूंगा, फिर उनके बारे में एक एक लाइन में बताऊंगा कि ये कौन है। तो किरदारों में
एक है इनको आजम कहें या आजीम कहें, एक है आजम। आजम के बाद में मैं जितने भी किरदार हैं सब के बारे में बताऊंगा। अजान हो रहा चाहती हूँ, एक मिनट के लिए रुक जा रहे हैं। हाँ साथियों, तो मैं किरदारों के बारे में बात कर रहा था। आजम है, नईम है, एक है राव, जैन, राव जैन है। फिर है करीमा बेगम, करीमा बेगम, एक कामा लगा हुआ है। एक दो तीन चार किरदार हो गए करीमा बेगम। उसके बाद इसमें दो किरदार और हैं, आरिफ और एहसान, आरिफ और एहसान। तो ये हैं इस नावेल लंदन की एक रात के किरदार, आजम, नईम, राव जैन, करीमा बेगम, आरिफ और एहसान। इसी में वगैरह लिख दीजिए, वगैरह, ठीक। तो ये मेन मतलब अहम किरदार हो गए। कौन अहम किरदार? अब इन किरदारों के बारे में देखिए, हम ऊपर से साफ कर दे रहे हैं। ज्यादा नहीं, इन किरदारों के बारे में एक एक लाइन जरूर देख लीजिए। तो नईम के बारे में देखिए, एक ऐसा किरदार जो लंदन में दो या तीन साल के लिए पढ़ने जाता है और पांच या छह साल तक इसकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती, नहीं हो पाती। ये ऐसे किरदार हैं नईम, मैं नीला कर दे रहा हूं। नईम, नईम, नईम एक ऐसा किरदार है जो लंदन में दो या तीन साल के लिए पढ़ने के लिए जाता है, लेकिन पांच छह साल इसको बीत जाते हैं लेकिन इसकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती है। तो ये हो गए नईम साहब। एक चीज इनमें खासियत थी कि ये हर शख्स की मदद करना चाहते हैं, हर हर शख्स की मदद करना चाहते हैं, ये इनकी खासियत है। अगले किरदार के बारे में, अच्छा आजम के बारे में हमने नहीं लिखवाया, पहले आजम थे, आजम या आजीम जो भी कहें उनको। ये ऐसे किरदार हैं कि ये हमेशा मोहब्बत के जो है नगमे गाते रहते हैं, हमेशा
मोहब्बत के नगमे गाते रहते हैं। कौन? ये अजीम है या आजम है, जो भी आप लोग कहें उच्चारण में, हो सकता है हम अजीम कहते हो या आप आजम कहते हो। तो ये जो किरदार है ये हमेशा मोहब्बत के नगमे गाते रहते हैं। जो आरिफ हैं, आरिफ ये लंदन ICS बनने के लिए गए हुए हैं। क्या? जो आरिफ हैं ये लंदन क्यों गए हैं? ये लंदन गए हैं ICS बनने के लिए। ICS की एक पढ़ाई होती है, वो बनने के लिए गए। अंग्रेजों को इन्होंने देखा था कि अंग्रेज में सब अंग्रेजी में बोलते थे, तो ये भी चले गए लंदन ICS बनने। क्या बनने? ICS बनने। किरदारों के बारे में हम बता रहे हैं, ध्यान में रखिएगा। एक एक किरदार ये लंदन क्या करने गए हैं? ICS बनने के लिए। फिर एहसान, एहसान, एहसान जो एहसान है ना, एहसान ये ऐसे किरदार हैं कि वो बहुत अहम है। ये एक अहम किरदार है। लगता है कि ये सज्जाद जहीर ही हैं। लगता है कि ये सज्जाद जहीर ही हैं, कि हैं। दिख रहा है साथियों कि नहीं? लगता है कि ये सज्जाद जहीर ही हैं। अब कौन से किरदार बचे साथियों? एक बचे हैं अभी राव। राव, राव को मैं लिख दे रहा हूं यहां। राव ये ऐसे किरदार हैं कि जो तालीम याफ्ता तो हैं, ये ऐसे किरदार हैं राव कि तालीम याफ्ता हैं ये। क्या? तालीम याफ्ता तो हैं लेकिन अमल में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो कितने किरदार हो गए? एक, दो, तीन, चार, पांच। पांच किरदारों, एक बची है अभी। एक जो बची है वो करीमा बेगम है। तो हम ऊपर लिख दे रहे हैं साथियों यहां मिटाल के, सारे किरदारों को आप नोट करिए और लिखते चलिए। यही मेन है, यही किरदार पूछा जाता है। कौन रह गई है? करीमा बेगम। करीमा बेगम, इनके बारे में जानिए। ये एक मशरिकी औरत हैं, मशरिकी औरत हैं, और लंदन में रहने के बाद भी, लंदन में इतने दिन रहा इन्होंने और पढ़ाई भी की, अच्छी खासी पढ़ाई। एक कौन है? ये मशरिकी औरत हैं, लंदन में आला तालीम। बहुत जल्दी में लिख रहे हैं, कहीं गलत होगा तो उसमें ना जाइएगा साथियों, हम बोल रहे हैं अपने मुंह से। एक मशरिकी औरत हैं, लंदन में आला तालीम हासिल करने के बाद भी, ये मशरिकी तहजीब, नहीं भूली है, नहीं भूली है।
तो ये हो गए साथियों आपके एक लंदन की एक रात के सारे किरदार, उन किरदारों के बारे में जानकारी कि आखिर में इतने किरदार हैं तो ये कौन कौन है। कोई किरदार और रह गया हो सोचिए। हमारे ख्याल से जो अहम किरदार हैं उनका हो गया ये। अब जो है हमने बताया ही कि जो लंदन की एक रात है, जो ये नावेल लिखा गया है सज्जाद जहीर के द्वारा, लंदन की एक रात, इस नावेल में सज्जाद जहीर और उनके सारे दोस्त मिलकर ही ऐसा लगता है कि इन्होंने जो किरदार अदा किया है इसमें। इस नावेल में, इस नावेल में सज्जाद जहीर ने यह दिखाने की कोशिश की है, एक एक पॉइंट लिखते चलिए, यह दिखाने की कोशिश की है, दिख रहा है ना, हल्के में चल रहा है, आज नया हम मार्कर ले आएंगे। ये दिखाने की कोशिश की है, मैं काले से लिख दे रहा हूं, कि इस नावेल में सरमायादार, मजदूर, 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 हुक्मरान और मजबूर, मजदूर, मजबूर, हुक्मरान और सरमायादार सब शामिल हैं। तो साथियों हमने आज जो है सज्जाद जहीर, उनके जीवन के बारे में, उनके अदबी खिदमात के बारे में और उनके ये नावेल जो है लंदन की एक रात, इसके बारे में डिटेल बातें की हैं, चर्चा की हैं। आप, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने पॉइंट टू पॉइंट नोट्स बनाया होगा, समझा होगा और इंशाल्लाह ताला तैयार भी हो गया होगा। तो आप सभी लोगों से गुजारिश है साथियों कि हमारा हौसला बढ़ाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें और कमेंट भी करें और लाइक भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।